ये तो और भी ज्यादा हो जाए भाई, क्योंकि एकदम फ्रेशर है ये, ठीक है। क्योंकि एकदम से फ्रेशर व्यक्ति है, ठीक है, वो इंसान जिसकी शॉप भी नहीं है, मतलब इस जो एक्सेसरीज का काम करते हैं रिपेयरिंग के बारे में। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों अभी मैं हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए आज हमारे स्टूडेंट का ये पांचवा दिन है, चार दिन हुए हैं, अभी सुबह सुबह का टाइम है, और अभी हमने क्या है इन सभी को एंड्रॉयड मोबाइल दिए हैं और ऑन मोबाइल दिए हैं, ठीक है। किसी पे बड़े एंड्रॉयड मोबाइल हैं, किसी पे कीपैड वाले जियो के एंड्रॉयड मोबाइल हैं, ठीक है। और इनको सभी को आईसियां निकाल कर, आईसी से सीपीयू एमएमसी निकाल कर और उसको रिवॉल्व करके दोबारा ऑन ही देने के लिए दिया गया है। तो भाई ज़रा बताइए, आप सबको ऑन फोन दिए गए कि नहीं दिए गए? सब पे ऑन फोन है, कैसा कॉन्फिडेंस है? बनाएंगे 100% बनाएंगे, बिल्कुल। आप देख रहे हैं सबको ऑन फोन दिए गए हैं, और अभी क्या है ये आईसीएन निकाल रहे हैं। इधर देखिए हमारे मास्टर साहब हैं, ये इसकी एमएमसी निकाल रहे हैं। इधर ये सोनू भाई हैं हमारे, वो भी आईसी निकाल रहे हैं। इधर हम एक बार सबको दिखा देते हैं, और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप बने रहिएगा पूरी वीडियो में। आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से ऑन फोन पे काम करा के आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाता है, क्योंकि आपके अंदर का जो डर है वो तभी निकलेगा जब आपसे ऑन फोन पे काम कराया जाएगा। देखिए हमारे फरमान भाई हैं, सीपीयू निकाल रहे हैं, रेडमी 5A का एक बड़ा सीपीयू है, ये निकाल रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए सबको एक एक बार दिखा देते हैं आपको फटाफट। देखिए इन्होंने यहाँ पे ईएमसी निकाल दी है, देखिए यहाँ पे ईएमसी निकाल दी है, ठीक है। इधर हमारे हजरत हैं, उधर देखिए ईएमसी निकाल रहे हैं, ठीक है। और इधर आते हैं थोड़ा सा सद्दाम भाई की तरफ, इधर हमारे सद्दाम भाई हैं, और इधर ये भी क्या है अपना काम कर रहे हैं, ईएमसी यानी इन्होंने भी क्या है निकाल दी है, देखिए ईएमसी इन्होंने भी निकाल दी है, रिवॉल्विंग कर रहे हैं। तो बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा ये, काफ़ी कुछ आपको इससे मिलेगा, और देखिए कैसा कॉन्फिडेंस जो है बनाया जाता है ये भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये भी सच्चाई है कि कोई झूठे वादे नहीं है कि भैया ऑन फोन देंगे। आज देखिए मात्र चार ही दिन हुए हैं और इनको क्या है ऑन फोन दे दिया गया है, सबको ऑन फोन दिए गए हैं। इसकी आईसियां निकालो, आईसी भी कोई छोटी नहीं, सीपीयू एमएमसी निकालने के लिए सलमान फरमान भाई हमारे यहाँ पे सीपीयू निकाल रहे हैं, कुछ लोग इसमें क्या एमएमसी निकाल रहे हैं, निकाल के रिवॉल्व करके और वापस लगा के फोन को ऑन ही कंडीशन में इन्हें देना रहेगा। तो सब दिखाएंगे आपको, बने रहिएगा वीडियो में। और आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आप भी एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और अपनी मेहनत की कमाई को कहीं पर डुबाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका मेहनत का पैसा सही जगह लगे ताकि आप क्या है कामयाब बने, तो एक मरतबा हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अभी एडमिशन शुरू हैं, अभी अपनी सीट को क्या है आप बुक करा लीजिएगा। चलो देखते हैं ज़रा किस तरह से काम चल रहा है। तो यहाँ पे डी शोल्डर वायर का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप देख रहे हैं, और इधर भी क्लीन की जा रही है एमएमसी। इधर देखें तो पीपीडी लगा रहे हैं, यानी रिवॉल्विंग के लिए इसको रेडी करके रखा हुआ है, पीपीडी अप्लाई कर रहे हैं। इधर हजरत भी पीपीडी अप्लाई कर रहे हैं। इधर देखिए आपने कर लिया रिवॉल्व, क्या रिवॉल्व हो गया? अच्छा दिखाइए ज़रा, देखें। अच्छा देखिए सद्दाम भाई ने तो रिवॉल्व भी कर दिया है, ठीक है, तो ये चल रहा है। अच्छा कुछ लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं सर ये जियो के फ़ोन दे रहे हैं आप बच्चों वाले। मैं समझ सकता हूँ कोई समझदार फ़ोन नहीं व्यक्ति जो है वो ऐसे कमेंट नहीं करेगा, लेकिन ज़रा सोचना चाहिए। एक वो व्यक्ति, एक फ्रेशर व्यक्ति जिसने कभी हाथ में स्टेंसिल भी नहीं ली, जिसने कभी माइक्रोस्कोप के सामने बैठा भी नहीं है, वो अगर सीपीयू एमएमसी ऐसी बड़ी आईसियां निकाल के रिवॉल्व करके फ़ोन को ऑन ही वापस दे देता है, वो भी मात्र चार से पाँच दिन में, तो ये कितनी बड़ी बात है इंसान सोच भी नहीं सकता। वो लोग जो छः छः साल आठ आठ साल से शॉप चला रहे हैं, शॉप पे ट्राई करते हैं, खुद से बार बार कोशिश करते हैं, उनसे एक छोटी सी आईसी भी रिवॉल्व नहीं हो पाती है। तो सोचना चाहिए कि मात्र चार से पाँच दिन में अगर कोई व्यक्ति ईएमसी या सीपीयू रिवॉल्व करके फ़ोन को ऑन कर रहा है, तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। अब जैसा एक जियो फ़ोन में ईएमसी होती है, सेम ही ईएमसी एक एंड्रॉयड फ़ोन में होती है, तो ये और जैसा सीपीयू इन फ़ोनों में होता है ऐसे ही बड़े फ़ोनों में होता है, तो एक ही बात है। तो इसमें आप देख रहे हैं हमने फरमान भाई को एंड्रॉयड फ़ोन दिया है, यानी रेडमी 5A दिया है, ठीक है। तो एंड्रॉयड फ़ोन दिए गए हैं आप देख रहे हैं सारे ही व्यक्तियों को, और इसमें कुछ नहीं, आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम से कैसे वर्किंग चल रहा है, जो है वर्क चल रहा है किस तरह से, और किस तरह से क्या है ये लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और ये है ये क्यों होता है, देखिए ऑन फोन हम क्यों दे रहे हैं, इसमें
कभी कभी कुछ लड़के डेड भी कर देते हैं। ऑन फोन सारे ही लड़कों को, सारे ही स्टूडेंट को 4 से 5 दिन के बाद दिए जाते हैं, जो हमें लगता है कि इनकी हैंड स्किल जो है काफ़ी अच्छी हो चुकी है, सुधार आया है, हैंड स्किल बन रही है, तो उसको हम चेक करने के लिए ऑन फोन देते हैं। क्यों इसलिए देते हैं? क्योंकि ऑन फोन पर जब स्टूडेंट काम करेगा तो एक तो उसका डर निकलेगा, दूसरा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वही सोचेगा हाँ यार मैं ये जो है अब काम कर सकता हूँ नॉर्मली तौर पे किसी भी फोन में, समझ रहे हैं? इसलिए ऑन फोन दिए जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, काफ़ी वीडियो आपके लिए खास रहेगा और देखेंगे कि किस किस से फोन ऑन हो पाता है, किस किस की मेहनत रंग लाती है। कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई है, बोल रहे हैं सब ऑन कर देंगे, तो देखते हैं। ओके दिखा दो जिसका हो गया है। हमारा हो गया सिद्धम, आ जाओ आ जाओ, देखते हैं। करिए ऑन, सही से लगाइए। ठीक है, ऑन हो गया? जी सर, हो गया ऑन। हो गया ऑन, देखिए हाँ रिसीडिंग देख लीजिए, वहाँ भी ऑन हो गया है और इधर भी फ़ोन में भी देख सकते हैं, देखिए लाइट जली। ठीक है, तो ये सद्दाम भाई का ऑन हो गया है फ़ोन। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं सद्दाम भाई ने क्या है इसको ऑन किया है और इसकी MMC और पावर IC को रिवॉल्व करके लगाया है और ऑन ही कंडीशन में इसको वापस दिया है। चलिए ठीक है सद्दाम भाई, बैठिए, इनको यहीं रहने दीजिए और अभी बाद में काम देंगे, और लोगों को देख लेते हैं। और किसी का हो गया हो तो वही ले आओ। समीर भाई आपका हो गया क्या? आपका हो गया क्या? अभी नहीं हो, अच्छा कोई बात नहीं। और किसी का हुआ है? और किसी का हुआ हो तो वही ले आओ। अच्छा अब्दुल रहमान भाई का हो गया है, माशाल्लाह। अब्दुल रहमान भाई हमारे नेपाल से हैं, ठीक है। अब्दुल रहमान भाई हो गया आपका? क्या किया आपने इसमें? फिर लगा दिया है, ठीक है। इससे पहले आपने MMC रिवॉल्व की थी इसमें जी। अच्छा ठीक है, तो आप जरा दिखाइए ऑन करके, ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा आपका भी देख लें। ये हमारे अब्दुल रहमान भाई हैं जो कि नेपाल से आए हैं सीखने के लिए, एकदम से फ्रेशर थे ये, अब तो फ्रेशर नहीं है क्योंकि अब जब CPU MMC रिवॉल्व करके लगा रहे हैं फोन को ऑन कर रहे हैं तो फिर फ्रेशर नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि ये काम तो वो लोग जो 5-5 साल से शॉप चला रहे हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, जो 5 दिन में इन्होंने किया है। देखते हैं फोन ऑन होता है कि नहीं होता है। ऑन करिए जरा, हाँ दिखा रहा हूँ मैं, ऑन करिए। हाँ ठीक है, बटन छोड़ दीजिए। हाँ देखिए ऑन हो गया, लाइट जल गई, लाइट जल गई, ठीक है इसकी भी। और देखिए यहाँ पे DC रीडिंग भी आप देख सकते हैं, देखिए DC रीडिंग भी ठीक है, ऑन हो गया भाई। इनका भी, इनके लिए भी तालियां हो जाए, और तालियां हो जाए, और इनके लिए तो और भी ज्यादा हो जाए भाई, क्योंकि एकदम फ्रेशर है ये, ठीक है। क्योंकि एकदम से फ्रेशर व्यक्ति है, ठीक है, वो इंसान जिसकी शॉप भी नहीं है, मतलब जो एक्सेसरीज का काम करते हैं, रिपेयरिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो अब्दुल रहमान भाई कैसा महसूस हो रहा है इसको ऑन करके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा तो कैसा, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया, और सबसे जो है आप ही ने कहा था, मेरा दो बार नहीं हुआ था, फिर आपने कहा कि फिक्र मत करिए हो जाएगा, तो हो जाएगा। मेहनत रंग लाती है, सीधी सी बात है, मेहनत रंग लाती है, मेहनत कभी भी किसी की जाया नहीं होती है। मैं कहूँ ये सिर्फ मेरा जो है वो मेहनत का नतीजा ऐसा नहीं है, ये लोग भी रात को 11-11 बजे तक यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जिसका ये नतीजा है मात्र 4 से 5 दिन में ही क्या है, एक फोन की MMC CPU और पावर IC जैसी चीजों को रिवॉल्व करके निकाल के लगा के फोन को ऑन कर रहे हैं। तो इनकी भी क्या है इसमें बड़ी मेहनत है, ठीक है। अब्दुल रहमान भाई आप बैठिए अपनी जगह जाके, बाकी लोग आप अभी कर रहे हैं। और किसी का हुआ है अभी? कर रहे हैं, हुआ है किसी का? अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, ठीक है, तो कर रहे हैं ये, कोई बात नहीं। तो आपने देखा, बहरहाल हमने दिखाया आपको दो लड़कों का, तो कि उनका ऑन हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है ऑन फोन पे क्या है वर्क कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्या है ये काम कर रहे हैं और ऑन फोन दिए जाते हैं, ठीक है। चाहे भले ही वो, देखिए जियो भी एक एंड्रॉयड फोन है, जैसे MMC CPU में होता है ऐसे बड़े फोनों में होता है। तो हम क्या है, इसे हमने अपने फरमान भाई और दीगर लोगों को हम देते ही हैं, मतलब कुछ लोगों को Redmi 5A 6A इस तरह के मॉडल भी देते हैं।
तो जो जिस लायक होता है हैंड स्किल हम चेक करते हैं उसको उस तरह के फोन देते हैं। वाकई के लोग अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अभी इन लोगों के फोन हुए नहीं है, ये उस पर लगे हुए हैं। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और लास्ट में आपके लिए मैसेज है, और वो लास्ट में मैसेज आपके लिए ये है कि आप भी क्या है अपने फ्यूचर को सुनहरा बनाइए, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, अपनी सीट को बुक कर लीजिए। और MNZ आपसे वादा करता है आपकी हैंड स्किल को लेके, आपके फ्यूचर को लेके, आपके 100% सपोर्ट को लेके MNZ आपसे ये वादा करता है कि परफेक्टली आपको यहां से क्या है कामयाब बनाकर भेजा जाएगा। और यहां से जाने के बाद भी ऑनलाइन में फ्री ज्वाइनिंग रखते हैं और लाइफ टाइम एकदम से सपोर्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कॉल करते हैं तो आपकी कॉल भी ना उठाई जाए। तो लास्ट में जरा एक बार मिलके बताइएगा, आप सबकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है भाई? ट्रेनिंग कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है? तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बढ़िया लग रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अपना अपना वर्क कर रहे हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक मरतबा हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा और डिटेल्स क्या है ले लीजिएगा।